आप सभी देशवासियों को अगेन मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने हमारे सारे डायमंड्स को सुना, लग्जरी कार अचीवर्स को सुना, सभी लीडर्स को सुना। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम से आपने क्या सीखा क्या समझा मुझे नहीं मालूम। मेरे फोन में मेरा फोन ऑन था और तकरीबन मैं जब से प्रोग्राम शुरू हो रहा तकरीबन 150 से ज्यादा फोन मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो डायरेक्टली मुझे कॉल करने की बजाय मेरी टीम के अंदर अपने अपने इलाके से लीडर सेलेक्ट करें। दोस्तों, सारे दुनिया में एक चीज बोली जाती है कि कामयाबी वो नहीं कि आप कामयाब हो जाओ, कामयाबी तो वो है कि आपके साथ आने वाले कामयाब हो जाए। कामयाबी वो नहीं है कि लोगों को झूठी उम्मीदों में डांट के रखो, कामयाबी वो है कि लोग आपके साथ जुड़े और लगातार वो सच्ची उम्मीद के साथ एक अच्छे ईमानदारी से काम करते हुए लोग कामयाब हुए। आज इसी का एग्जाम्पल असलियत वेलनेस ने दिया है और इतने सारे अचीवर्स को आपने देखा है। दोस्तों, मैं इसके बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि असलियत वेलनेस डायरेक्टली में क्यों बेस्ट है, जिसका एक डायलॉग मैं आपको बोलता हूं कि किसी किसी कंपनी में कोई कोई कमाता है लेकिन एक असलियत वेलनेस ऐसी है जिसमें हर कोई कमाता है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि दो सर, जो आदमी 6 साल में जो काम नहीं कर पाया यहाँ 6 महीने में कैसे कर गया, जो 10 साल में नहीं कर पाया वो कैसे कर गया, आज जो आदमी 3-4 साल में टूट चुका था हार चुका था वो आदमी यहाँ के बिजनेस कैसे बन गया। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूँ कि यहाँ का सिस्टम, यहाँ की सपोर्ट और यहाँ की इंसानियत, ईमानदारी, हमारे ग्रेट एमडी सर जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाया, हम सर की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों की वजह से हम लोग दिन रात, दिन दुगुनी और रात चौगुनी स्पीड से प्रोग्रेस करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ करोड़पति बनने के लिए आया था और आज करोड़पति नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में मैं बताऊं तो मेरे साथ में 2 लोग जोड़ने के लिए जहां अफर्ट करना पड़ता था, आज 2 लोग नहीं, आज 6 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क, जो परिवार मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है और इसी के साथ करते हुए तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग मैं यहाँ से ले चुका हूँ। आज अगर मंथली बात करें, बात ये नहीं कि मंथली बात करें, तो 30 से 32 लाख से भी ऊपर का एवरेज असली के वेलनेस से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। और ये बात नहीं कि इनकम आ रही है, बात ये है कि लॉकडाउन में जहाँ किसी को कुछ नहीं आ रहा वहां असली के वेलनेस के फाइटर जो पहले कमा रहे थे उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। कोई एक फाइटर ऐसा नहीं है कि कम कमा रहा है। दोस्तों, आज इस बात का सिर्फ मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि मैं इस कंपनी में आया, मैंने साइकिल से शुरुआत की, मुझे दिन याद है उस साइकिल वाले, मुझे दिन याद है छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने वाले। आज लग्जरी लाइफ हो चुकी है, सब कुछ लाइफ में आ चुका है असलियत वेलनेस की वजह से, एक विश्वास करके शुरुआत करने की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से। आज साइकिल से जैगुआर तक का सफर किया, लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है। आज जब स्क्रीन पे जितने लोग देख रहे हैं, A to Z लोग आज लग्जरी कार अचीवर, ओडी, BMW, मर्सिडीज अचीवर है। इनके अलावा इनसे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी स्क्रीन पे हमारे साथ में नहीं है, वो लोग भी ओडी, BMW, मर्सिडीज के अचीवर हैं। उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी टेस्टी बनी है आज असलियत वेलनेस में। मिस्टर कुणाल जोधव जी हैं, मिस्टर रितेश जी हैं, मिस्टर विनय जी हैं, मिस्टर विकास बोरा जी हैं, मिस्टर कुलदीप जी हैं, जो कि अभी आपको सामने नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ सारे लग्जरी कार अचीवर हैं, सारे बहुत अच्छे अचीवर हैं। दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप असलियत वेलनेस क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, मेरी एक बात अगर समझ लेना। हम जब डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग देते थे, आज लोगों ने आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग ली, तो हम एक स्टार्ट बताया करते थे कि एक आदमी जब एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसके लिए 8 घंटे काम होता है, लेकिन किसी फैक्ट्री में, किसी होटल में, किसी इंडस्ट्री में अगर उसके यहाँ 100 लोग काम करते हैं और 100 लोग अगर 8-8 घंटे काम करते हैं तो उसके यहाँ पर डे 800 घंटे काम होता है, इसलिए वो ज्यादा काम पैसा कमाता है। दोस्तों, हमें यही बात हमने सीखी है, यस या नो? बिल्कुल सीखी है, लेकिन बात आज बदल चुकी है लॉकडाउन के अंदर। अब ये समझने की जरूरत है कि जिसकी फैक्ट्री में, जिसकी इंडस्ट्री के अंदर 100 लोग काम करते थे, 500 लोग काम करते थे, वो अब लॉकडाउन में पिछले 2.5-3 महीने से कितना कमा रहा है, वो बात हम जो पहले बताते थे वो पुरानी बात हो चुकी है, वो बात अब बदल चुकी है। अब जरूरत ये है, आज आप अपने आप से सवाल सिर्फ एक करना, आप असली में करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल अपने आप से जरूर करना कि क्या आप जो आज काम कर रहे हैं ये काम लॉकडाउन जैसी स्थिति, कोरोना जैसी स्थिति, अगर भविष्य के अंदर दुनिया में कभी दोबारा आई तो क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपकी लगातार इनकम आएगी? क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका परिवार को छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा? अगर आपके अंदर से जवाब आता है यस,
मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि कल को लॉकडाउन हो जाए चाहे लॉकडाउन का बाप आ जाए लेकिन मेरी इनकम नहीं रुकने वाली, तो मैं बोलता हूँ किसी का ट्वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं, आप जो कर रहे हैं वो करें बेस्ट है। लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है कि यहाँ लॉकडाउन ने हिला के रख दिया, लॉकडाउन ने घर की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया, लॉकडाउन की वजह से हमारी इनकम रुक गई, लॉकडाउन की वजह से हमारे बिजनेस घाटे में आ गए। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप करोड़पति हो चाहे लखपति हो चाहे कुछ भी हो, आपको एक इथिकल और डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म चुनने की जरूरत है, क्योंकि जब इस चीज को आज नहीं समझे तो कब समझोगे दोस्त। अब ये समझाने के लिए कोरोना गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन एक समाज को पूरे देश को एक आईने में उतारने का वक्त है। मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन आप सोच के देखिएगा, बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, टीवी पे आज तक जी न्यूज सारे न्यूज वाला दिखा रहे हैं कि कोई आदमी घर से 20 साल से बाहर है और आज उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, 20 साल से बाहर है, आज उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 20 साल से बाहर है, आज उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, 20 साल से बाहर है, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए एक महीना नहीं चला सकता सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। आप सोच के देखिए, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं, मैंने अभी भी बोला मेरी बात को गलत तरीके से नहीं लेना, लेकिन सोचने की जरूरत है, अगर आज भी 20 साल किसी शहर में काम करने के बाद एक महीने अगर इनकम नहीं आई और उसके बाद खाने की नौबत आ गई, एक महीने इनकम नहीं आई और उसके बाद किराया देने की नौबत आ गई, एक महीने इनकम नहीं आई उसके बाद एम्प्लॉई को हम सैलरी नहीं दे पाए, तो सोचिए हम पैसिव इनकम पे काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम के काम कर रहे हैं। मैं दोस्त आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं, आप कुछ करें या ना करें लेकिन एक काम ऐसा जरूर करें जहां से आपको एक्टिव इनकम आए, आप काम करें ना करें, लॉकडाउन हो ना हो, नेट हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको वो इनकम आती रहे दोस्तों, यही मेरा मैसेज था। आप अगर समझ जाओ तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और ना समझो तो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि दोस्तों अगर समझ गए तो एक चीज है कि आने वाले भविष्य में कोई भी दिक्कत आई हम कभी भी घबराएंगे नहीं, उन चीजों से लड़ पाएंगे, उन चीजों से मुकाबला कर पाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल हमने दिखाने के लिए लॉकडाउन महोत्सव किया था, और सिर्फ एक मैसेज के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे लीडर आपके सामने और हम बता रहे हैं कि किसने गाड़ी ले ली, किसने पैसे कमा ली, इस मकसद ये है कि आप लोगों को समझ में आए कि आज भी कोई ऐसी जगह है, कोई इंडस्ट्री है जहां लोग परेशान है, वहां लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग परेशान है, वहां लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि दोस्त किसी की मदद भी वही आदमी कर सकता है जिसकी जेब में पैसा हो, जो खुद आर्थिक रूप से मजबूत हो। जब मजबूत नहीं है कमजोर आदमी किसी दूसरे की चाह के भी मदद नहीं कर सकता। आज आप हमारे सामने मौका है कि हम मोदी जी के आदेशों पे चलें, उनकी बातों का पालन करें, हम हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग, मैं यहां फिर बोलूंगा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनाव करें, क्योंकि जिससे आपके मन में देशभक्ति की भावना आएगी। अब वक्त नहीं है दोस्त विदेशी लोगों को पैसा कमवाने का, अब वक्त है अपने ही लोगों का अपना पैसा यहाँ पे रखने का, और इस वजह से हम देश को मजबूत करने में एक योगदान देंगे। दोस्तों हम लोग अपने प्रोग्राम को क्लोज करने की ओर हैं, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया और तकरीबन पिछले 1.25 घंटे से आप यहाँ पे बने रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम के अंदर भविष्य में आप बड़ी बड़ी कामयाबी लें, आप बड़ी बड़ी बुलंदियों पे जाएं, आप अपनी जिंदगी का हर सपना पूरा करें, क्योंकि AWPL है तो मुमकिन है। यहाँ पे सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है, इतने सारे लोग आपके सामने हैं। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों अपने डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, अपलाइन के साथ कामयाब होने का सबसे बड़ा एक मंत्र है कि अपने रिलेशन हमेशा अच्छे रखिए, आपके रिलेशन, क्योंकि लोग कंपनी से ज्यादा आपको ज्वाइन करते हैं। और कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि लोग कंपनी को नहीं छोड़ते, आपको छोड़ना चाहते हैं, वो कंपनी कोई भी हो कंपनी, क्योंकि डाउनलाइन और अपलाइन का, टीम और अपलाइन का रिश्ता अगर सही नहीं है, अगर किसी को टीम के अंदर या अपलाइन के अंदर किसी को भी रिश्ते के अंदर स्वार्थ नजर आ रहा है या कुछ भी और हो रहा है, तो लोग उस रिश्ते से दूर हटना चाहते हैं। दोस्तों अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाइए, टीम के ऐसे रिश्ते बनाइए कि अगर आपकी टीम का कोई इंसान भूखा सोए तो आपको उस रात नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास एक रोटी है तो आप मिल बांट के खाइए, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ऐसा कोई बोलता है लेकिन ऐसा होता सिर्फ असली के वेलनेस के फाइटर्स के साथ में है। पिछले 2.5 महीने में आपने देखा है, बहुत जल्दी हम सही वक्त में आएंगे, सारा वो वक्त भी आएगा जब हम मीटिंग्स करेंगे, हम इसी उम्मीद के साथ दोबारा मिलेंगे। और अभी भी जिन लोगों ने मेरे, मैं देख रहा था अभी भी मुझे कॉल आ रहे हैं, आप सभी लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ अपने अपने नंबर यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिए होंगे अपने किसी का, आपका जो भी कॉल आए आप उनको बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर कोई कॉल करेगा तो बड़ी उम्मीद के साथ करेगा, हमारे इस प्रोग्राम से मोटिवेट होकर करेगा। और एक मैसेज और देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज का इफेक्ट 24 घंटे से 48 घंटे तक रहता है। अगर किसी ने हमारा प्रोग्राम आज सुना है और वो हमसे जुड़ना चाहता है
तो 24 घंटे से 48 घंटे तक वो इफेक्ट रहेगा, वो आपसे कॉन्टेक्ट में रहेगा। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद किसी बंदे से बात कर ही लूंगा, तो पहली बात आपके दिमाग से चीज निकल जाएगी कि आपको किसी ने फोन किया था, और दूसरी बात जिस इंसान को आप कॉल करने वाले हैं वो या तो किसी और से कॉन्टेक्ट कर लेगा या उसके दिमाग से भी वो चीज निकल जाएगी कि उसने भी कोई प्रोग्राम देगा। तो आप बिल्कुल एक्शन में रहिए, रेडी रहिए, जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके साथ प्रोग्राम को शेयर करें, उनको ज्वाइन कराएं। मुझे उम्मीद है इस महीने की क्लोजिंग और इस वीक की क्लोजिंग हम और पिछले महीने से और दमदार तरीके से करेंगे। आपको सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हमारे सारे डायमंड लीडर को, सारे ब्लैक डायमंड को, क्राउन डायमंड को, ब्लू डायमंड को भी बहुत बहुत बधाई। आप सर, हम सारे लोगों ने मिलकर आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली और हिट किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।